कल ही हमारे बीटीएस के मेंबर सुगा का कॉन्सर्ट और वर्ल्ड टूर फाइनली खत्म हुआ था और आर्मी काफी ज्यादा खुश थी कि सुगा ने सक्सेसफुली अपना सोलो वर्ल्ड टूर कंप्लीट किया है। लेकिन आर्मी के आप जानते हो कि आज सुबह सुबह हम सभी के सर पे एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब फूटा और वो ये था कि सुगा अपनी मिलिट्री सर्विसेज के लिए जा रहे हैं और ये बात खुद बिग हिट म्यूजिक ने वीवर्स के थ्रू अनाउंस कर दी है। लेकिन आर्मी को ये डाउट है कि पहले तो सुगा नहीं जा रहे थे, तो आखिर अचानक क्या हुआ? तो फुल इन्फॉर्मेशन जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो आज सुबह सुबह आर्मी के पास नोटिफिकेशन आई, हेलो दिस इज बिग हिट म्यूजिक, और उन्होंने फिर से एक बॉम्ब फोड़ा और बताया कि सुगा अपने मिलिट्री एनलिस्टमेंट के लिए जा रहे हैं। बिग हिट ने अनाउंस किया कि सुगा की जो मिलिट्री एनलिस्टमेंट पोस्टपोन हो रखी थी उसको रोक दिया है सुगा ने और अब वो अपने मिलिट्री सर्विसेज के लिए जाएंगे। वो आर्मीज और फैंस से उम्मीद करते हैं कि वो उन्हें पूरा सपोर्ट करेंगे जब तक सुगा की सर्विसेज पूरी ना हो जाए और बाकी की चीज़ें वो धीरे धीरे इन्फॉर्म कर देंगे, जैसे कि सुगा कब मिलिट्री में जाएंगे, उनकी डेट, उनकी सेरेमनीज वगैरह के बारे में सब कुछ बिग हिट बाद में बताएगा। तो इस इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद हर जगह तहलका तो मच ही गया था, लेकिन आर्मीज के मन में पहला सवाल ये आया कि सुगा तो मिलिट्री में जाने नहीं वाले थे, यानी हर जगह यही न्यूज़ थी कि सुगा सोशल सर्विसेज के लिए जाएंगे अपने शोल्डर इंजरी की वजह से और वो मिलिट्री में नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा फिजिकल वर्क होता है। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि सुगा ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया हो क्योंकि अभी सुगा पूरा वर्ल्ड टूर करके आए हैं, तो हो सकता है कि ये बात रही हो कि जब वो उस इंजरी के साथ वर्ल्ड टूर कर सकते हैं तो मिलिट्री की एनलिस्टमेंट की सेरेमनी और अपनी सर्विसेज क्यों नहीं। साथ ही साथ हो सकता है कि सुगा के शोल्डर की वजह से उनको थोड़ा सा अलग काम करवाया जाए और वो हो सकता है कि बाकी सोल्जर्स की तरह इतना फिजिकल वर्क ना करें, लेकिन वो जो भी कुछ करेंगे वो आता तो मिलिट्री सर्विसेज के अंदर ही है, यानी अगर सुगा सोशल सर्विसेज में भी जाएंगे तो भी मिलिट्री एनलिस्टमेंट तो होगा ही होगा, बस फर्क इतना होगा कि बाकी डिविजन्स की तरह वो जाकर वहाँ पर लड़ाई नहीं करेंगे, उनकी फिजिकल ट्रेनिंग कम करी जाएगी, लेकिन होगा तो सब कुछ मिलिट्री एनलिस्टमेंट के प्रोसेस के अंडर ही। और शायद इसीलिए बिग हिट म्यूजिक ने अनाउंस किया है कि सुगा मिलिट्री में एनलिस्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि मिलिट्री में बहुत ही तरह तरह के काम होते हैं। कुछ काम फिजिकल वर्क रिक्वायर करते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको दूसरों को असिस्ट करना होता है, और कुछ काम तो सीधे जंग जाके लड़ना ही होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सुगा को वही सारे काम अलॉट किए जाएं जो कि उनके शोल्डर के लिए हानिकारक है, और वैसे भी एनलिस्टमेंट से पहले पूरा फुल बॉडी चेकअप होता है, तो उनकी इंजरी के हिसाब से ही सुगा को काम कराया जाएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल आर्मी काफी सैड है कि कल ही सुगा का टूर खत्म हुआ और आज वो हमसे दूर जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आर्मी कोई बात नहीं, ये समय भी टल जाएगा और बीटीएस के मेंबर्स एक ग्रुप की तरह वापस आ जाएंगे। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि सुगा की एनलिस्टमेंट प्रोसेस को लेकर आपका क्या कहना है। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।